गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन। आज हम शुरू करेंगे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल assets and enforcement of security act enforcement of security act 2002। हाँ जी, तो आज हम क्या देख रहे हैं securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security act 2002। तो ये है क्या securitization act? इसको कहते हैं SURF SI act। कौन सा act? SURF SI act। SURF SI act, हाँ जी, short में। तो ये क्यों आया? और आपको पता होगा कि 2002 से पहले आज भी हमारे यहाँ एनपीए काफी है, लोग आज लोन ले लेते हैं और लोन का पेमेंट नहीं देते। तो ये जो SURF SI एक्ट है, इस SURF SI एक्ट के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी उनकी इजीली रिकवरी का प्रोविजंस बनाया गया, और साथ ही साथ जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो लोन थे, उन्होंने जो लोन देकर आपकी प्रॉपर्टी पर जो लीन मॉर्टगेज का जो राइट एक्वायर किया था, उस राइट को सिक्योरिटाइजेशन करना, यानी वो राइट एक सिक्योरिटी के रूप में फ्रीली, जिस तरह शेयर ट्रांसफर होता है, वो राइट भी किसी दूसरे को बेच देना, ये सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। यानी एक कंपनी यदि आपके मकान के ऊपर लोन देती है तो उसके लिए आप मॉर्टगेज डीड जो साइन करते हैं, दैट इज द राइट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो उस राइट को, जिस तरह शेयर के अंदर शेयर होल्डर्स का राइट इजीली ट्रांसफरेबल होता है, तो उस राइट को दूसरी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को एज ए सिक्योरिटी बेच सकती है उस राइट को, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन। ये किस लिए किया गया? कि जिन लोग लोन कंपनियां हो उनको लिक्विडिटी हो, और इवन यदि उनके उनको एक रिकवरी का मीडियम मिले हर चीज के लिए, कोर्ट ना जाना पड़े उन कंपनियों को, इस पर्पज से ये सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आया। ठीक है, अब हम सुनाते बताते हैं, इसमें हमको तीन चीजें समझनी है। एक है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दूसरा सिक्योरिटाइजेशन, थर्ड है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये तीन चीजें हमको सबसे पहले समझती हैं। तो इस एक्ट के अंदर एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ assets। तीन इसके एलिमेंट है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ assets। एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, उस कंपनी स्पेसिफिकली उसकी कैपिटल 100 करोड़, 2 करोड़, वो सब अभी हम बताएंगे कि इसके लिए क्या कंडीशन होती है। एक उस कंपनी को कहते हैं ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दूसरा सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, तो ये दो तरह की कंपनी इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक कहलाती है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक कहलाती है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। दो तरह की कंपनी है, दोनों में क्या फर्क है वो हम अभी बताएंगे। तो दो तरह की कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। अब सिक्योरिटाइजेशन का पर क्या डिफाइन किया है ये हमें समझना है। सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एज पर दिस एक्ट,
acquisition of financial assets. अभी जैसा हमने बताया acquisition of financial assets, acquisition by ये RC यानी reconstruction company और securitization company, ठीक है, from originator, okay, originator क्या जिसने वास्तव में पहले loan दिया था, from originator, originator means who has financed, जिस bank ने हमको loan दिया था वह है originator, उससे ये company loan ले लेती है जो rights था, okay. अब ये लेती कैसे हैं? या तो by securitization receipt by qualified institutional borrowers or others, यानी जो qualified institutional buyers हैं, यानी financial institution है, जो definition हमने QIB की आपको बताई थी SEBI ICDR guidelines के अंदर. तो ये securitization क्या process है? जो acquisition of the financial assets of league right मैंने बैंक से लोन लिया, मान लो मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लिया और मैं उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूं और उस असेट्स को या उस राइट्स को पहले कोर्ट में जाते थे या सेल करते थे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द बैंक. बैंक ने उस लोन को बेच दिया एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को, या तो जो पेपर्स मैंने उनके पास मॉर्टगेज किए हुए थे उन पेपर्स को बेच दिया एज एन सिक्योरिटाइजेशन. तो इन्होंने क्या किया, तो जो बैंक थी doubtful and loss, क्योंकि जिसने मान लो हमारी जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च तीन इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो 1 अप्रैल से एक साल के लिए वन ईयर के लिए वो सर्व स्टैंडर्ड हो गया और वन ईयर से मोर देन वन ईयर टू 3 years, less than or equal to 3 years, ये हो गया doubtful. इसमें भी एक होगा doubtful category 1 और एक doubtful category 2 और more than 3 years हो गया तो ये loss assets हो गई. ये तो हम repayment के basis पे कहते थे, ठीक है.
तो ये जो डाउटफुल होता है ये कैसे किया जाता है, ये जो हम नाम नॉर्म्स बता रहे हैं आरबीआई आरबीआई के नॉर्म, तो एनी अथॉरिटी या आरबीआई, तो यहां डेफिनेशन किया दिया एनपीए मींस, हाँ जी इन दिस एक्ट एनपीए की डेफिनेशन क्या दी है, एनपीए मींस सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस असेट्स एज पर नॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाई एनी अथॉरिटी और आरबीआई, आरबीआई या किसी और अथॉरिटी ने जो नॉर्म्स बनाए हुए उन नॉर्म्स के हिसाब से जो एनपी है डेट इज एनपीए। ओके, तो ये जो असेट्स है, यदि आपने कोई लोन लिया है या दिया है, कोई लोन लिया है और उस लोन पे अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है, तो उस अकाउंट को ये जो सिक बैंक या और जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ओरिजिनेटर, इससे ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बेसिकली कंपनी क्या हुई, जिस तरह आपने लोन दिया उसकी रिकवरी के लिए ये रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है वो उस राइट को बेचेंगी, यानी आपको। अदरवाइज पहले क्या प्रोसेस होती थी, इस एक्ट के आने से पहले बैंक को कोर्ट में केस करके पहले आपका मकान का पायाजन बैंक को लेना होता था, तभी बैंक आगे बेच पाती थी। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के केस में क्या होता है, नाउ इवन बैंक विदाउट टेकिंग पायाजन केवल कागजों के बेसिस पे, जैसे सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है, इसी तरह आपकी जो मॉर्टगेज डीड है वो भी एज ए सिक्योरिटी कन्वर्ट करके दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है। अदरवाइज पहला जो जब तक ये एक्ट नहीं आया था, जिसने लोन दिया था आपने जिससे लोन दिया था उसी को रिकवरी का अधिकार था, अब वो जो है बिना पजेशन लिए किसी दूसरे को मकान बेच सकती है, आपका जो राइट है अपना राइट किसी दूसरे को बेच सकती है। ओके, अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन है हमें समझना है कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल, किस किस केस में ये सिक्योरिटाइजेशन एक्ट नॉट एप्लीकेबल, ये अब हम समझेंगे, क्योंकि क्या हर केस में एप्लीकेबल होगा, ये केवल लोन जहां मॉर्टगेज है चार्ज है वहीं पे एप्लीकेबल होता है, कुछ केस किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता ये हमें समझना होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, यानी आपकी जो सिक्योर असेट्स है वो एज ए सिक्योरिटी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो केस कौन कौन से हैं, तो अब हम समझते हैं सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के अंदर नॉट एप्लीकेबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल अब समझते हैं कब कब नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, लीन के केस में, लीन गुड्स मनी, गुड्स मनी सिक्योरिटी, गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी इनका लीन है, इसके केस में दिस इज नॉट एप्लीकेबल। इन द केस ऑफ प्लेज एडवांस क्रेडिट एडवांस बेसल्स सॉरी गुड्स मनी प्लेज एयरक्राफ्ट बेसल्स एयरक्राफ्ट फाइनेंस है, बेसल्स फाइनेंस है, और कंडीशनल सेल्स हैं, जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कंडीशनल सेल पैसा भी नहीं दिया, हायर परचेज लीज, हायर परचेज ओके लीज कॉन्ट्रैक्ट, नो सिक्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जहां पर की इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटिंग, ये जो सारी चीजें होती हैं, पैसा इसमें भी ड्यू होता है,
ठीक है प्लेज में उसमें, लेकिन इन दिस केस ठीक है, इसके अलावा अनपेड सेलर, अनपेड सेलर है, हमने माल बेच दिया पैसा आया ही नहीं, अनपेड सेलर है, तो क्या सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हम उस राइट को बिना एक्वायर किए बेच सकते हैं? नहीं। मैं बिल्डर हूं, मैंने एक फ्लैट दे दिया किसी को, उसने पेमेंट नहीं किया, उन दैट केस सिक्योरिटाइजेशन केवल लोन के केस में ही एप्लीकेबल होगा, या कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसको नॉन लायबल टू अटैचमेंट, जो अटैच ही नहीं हो सकती, ऐसी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नॉट लायबल टू अटैचमेंट, जिसको आप अटैच नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टी, ओके, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, लेस देन 1 लाख की प्रॉपर्टी, लेस देन 1 लाख की प्रॉपर्टी, और यदि आपका लोन केवल 20% ऑफ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रहेगा, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1 करोड़ का लिया, आप 80 लाख रुपए चुका चुके हो, केवल 20 लाख बैलेंस है, इन दैट केस सरफेस आई विल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? तो कब कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये आप समझिए। लियन क्या होता है ये आपको बताया, लियन गुड्स मनी सिक्योरिटी, यानी लियन क्या होता है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मान लो हमने किसी क्लाइंट का काम किया, उसने पेमेंट नहीं दिया, लियन है, इसी तरह आपने मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, तो उस मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, उसका 500 रुपीज रिपेयरिंग चार्जेज है, तो वो तब तक आपका मोबाइल रख सकता है जब तक आप 500 रुपीज ना दें, लेकिन वो ये नहीं कि आप मान लो लेने नहीं आए तो वो किसी और को मोबाइल बेच दे सरफेस आई एक्ट में, वो नहीं हो सकता, ठीक है? या मान लो आपने मकान है, एक कॉन्ट्रेक्टर को कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, उसने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद में उसका बिल बैठा कि 10 लाख रुपीज कंस्ट्रक्शन का बिल है, आप नहीं देते हो, तो उस पर बैठा हुआ है लियन है उसका, कि जब तक हम 10 लाख नहीं दोगे तब तक आप नहीं देंगे, तो वो होता है लियन। लेकिन इस लियन के अंदर ये नहीं कर सकता कि वो उसको किसी दूसरे को बेच दे। इसी तरह किसी शेयर्स पे, मनी पर, किसी पे लियन है, तो लियन कैन नॉट बी कवर्ड अंडर सरफेस आई एक्ट। इसी तरह पिलेज, पिलेज क्या होता है, लियन जनरली होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, पिलेज होता है मान लो मैंने गोल्ड को गिरवी रख के गोल्ड रख दिया, उसके मुथूत बैंक से लोन लिया, तो हमने गोल्ड रख के लोन ले दिया, हम लोन नहीं चुकाते, तो वो गोल्ड किसी को इस सरफेसाई एक्ट में ऐसा नहीं कर सकता कि जो हमने फ्लैज दिया वो किसी और को बेच दे, ओके? वहां सरफेसाई एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा, जो फ्लैज का नियम है उसके हिसाब से। इसी तरह यदि कोई एयरक्राफ्ट या बैसल फाइनेंस है, तो एयरक्राफ्ट पर और बैसल के केस में सरफेस आई एक्ट लागू नहीं होता। यदि पेमेंट एयरक्राफ्ट पर ड्यू है तो एयरक्राफ्ट लेना होगा, ये नहीं कि एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर कर दें। इसी तरह कोई कंडीशनल सेल है, मान लो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे माल दिया, अब वो अप्रूव करके ना तो माल वापस भेज रहा है, ठीक है, और ना उसने पेमेंट दिया हुआ, तो हम उस सेल को या किसी कंडीशनल सेल को आगे दूसरे को नहीं बेच सकते। इसी तरह हायर परचेज के केस में सरफेस आई एप्लीकेबल नहीं है, लीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है हमारे फेवर में, ट्रस्ट है या किसी भी तरह का, तो और कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं है, इस समय कोई सिक्योरिटाइजेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अनपेड सेलर्स, हमने माल बेचा, उसने पेमेंट नहीं किया पार्टी ने, ठीक है, तो हम ये नहीं कि उसको किसी दूसरे को बेच देंगे, भाई हमने तेरे को बेच दिया,
उसके पास माल पड़ा वहां से जाके ले ले, है ना। सरफेसा ही एक्ट में वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं ले सकती। इसी तरह कुछ प्रॉपर्टी है विच आर नॉट लायबल टू द अटैचमेंट, जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती ऐसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटाइजेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह एग्रीकल्चर लैंड के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, और लोन की अमाउंट केवल लेस देन 1 लाख है उस केस में, 1 लाख से ऊपर वाले केस में सरफेस आई लगता है, छोटे छोटे केस 1 लाख रुपीज तक के लोन में सरफेस आई नहीं लगता। इसी तरह यदि आपने लोन लिया उसका 80% आप पेमेंट कर चुके हैं, केवल 20% बैलेंस है, इन दैट केस सरफेस आई एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके, अब आ जाइए, ये बात समझ में आई कहां कहां ये सर्विस आई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। यस सर, तो अब हम समझते हैं इस सर्विस आई एक्ट के अंदर जो अभी तक हमने बताई थी आपको, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड उसके क्या प्रोविजंस हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उससे संबंधित क्या है, कब किस तरह और कब हम सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बना सकते हैं। जनरली काफी एडवोकेट्स ने, वकील ने ये प्रोफेशन किया हुआ है, आजकल उन्होंने सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनाई है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी, तो ये हम समझते हैं इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3, हाँ सेक्शन 3 कहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकती। सेक्शन 3 के हिसाब से कोई भी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, बिना रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकती। अब समझना कि उसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, ये हमको समझना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी नो कमेंसमेंट ऑफ वर्क विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के काम शुरू नहीं कर सकती सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकती। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि इसकी जो है कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अब ये रजिस्ट्रेशन, सबसे रजिस्ट्रेशन कहां होना चाहिए, आरबीआई के अंदर। रजिस्ट्रेशन कहां होगा, आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। आरबीआई रजिस्ट्रेशन कब करेगी, तो उसकी कैपिटल या तो 100 करोड़ हो और 15% ऑफ असेट्स लाइकली फिक्स असेट्स एक्वायर, जितनी असेट्स एक्वायर करनी है उसका 15% हो या 100 करोड़ हो, लेकिन बट मिनिमम टू करोड़ इसकी कैपिटल होना जरूरी है। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल कितना जरूरी है, मिनिमम 2 करोड़, ठीक है, और 100 करोड़, 2 करोड़ और 15% ऑफ फिक्स असेट एक्वायर, यदि और 100 करोड़, 100 करोड़ है तो फिक्स असेट कितनी भी एक्वायर कर सकती है 100 करोड़ में, यानी उससे पहले यदि मान लो उसकी 500 करोड़ असेट्स एक्वायर करनी है तो 15% 75 करोड़ होनी जरूरी है। 100 करोड़ एक्वायर करनी
तो कितना आना चाहिए? 15 करोड़ जरूरी है, 5 करोड़ एक्वायर करनी है, तो फिर 15% तो 75 लाख होता है, लेकिन मिनिमम कितना है? मिनिमम 2 करोड़ एक्वायर करनी है आपको, 1000 करोड़ एक्वायर करनी है, तो मैक्सिमम 100 करोड़, 5000 करोड़ की असेट्स एक्वायर करनी है, तब भी मैक्सिमम 100 करोड़, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लायंस करनी है, साथ ही साथ नो लॉस फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में उनको लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, तभी वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए। ओके, और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? उसके पास नेक्स्ट, अब जो काम है, काम करने की एबिलिटी तो चाहिए, अदरवाइज क्या करेगी? रजिस्ट्रेशन कराएगी, ठीक है? तो और क्या कंडीशंस होनी चाहिए? एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए, एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स। एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स, उसके पास फिक्स असेट्स के रियलाइजेशन का एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए, एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फिक्स असेट्स। ओके, साथ ही साथ एबल टू पे पीरियोडिकल रिटर्न, कंपनी ऐसी आनी चाहिए जो कि पीरियोडिकल रिटर्न दे सके, ठीक है? ये नहीं कि लॉस ही लॉस हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चाहिए। एबल टू, जो इन्वेस्टमेंट किया है, एबल टू रिडीम इन्वेस्टमेंट विद क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ में, बायर में जो भी, बायर के पास जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिडीम कर सकती वाली होनी चाहिए कंपनी पर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? रिडीम इन्वेस्टमेंट ऑन ड्यू डेट, इन्वेस्टमेंट ऑफ जो भी क्यूआई ने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिडीम कर सके ड्यू डेट पर, इन्वेस्टमेंट बाय द क्यूआईबी टू बी रिडीम ऑन ड्यू डेट, ठीक है? नन ऑफ द डायरेक्टर्स, इसके जो भी कोई भी नन ऑफ द डायरेक्टर्स, कोई भी डायरेक्टर शुड नॉट बी कन्विक्टेड, कोई भी जेल ना गया हो कन्विक्टेड फॉर मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड यानी कोई भी ऐसा मोरलिटी वाला केस, क्रिमिनल केस, इसमें कोई भी अंदर ना गया हो, ठीक है? जो इसके स्पॉन्सर हो, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो चाहे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी हो, इसके जो स्पॉन्सर है ना तो वो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ना स्पॉन्सर्स के साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये नहीं कि स्पॉन्सर होल्डिंग कंपनी ही स्पॉन्सर हो, ठीक है? उसके अलावा ये जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ कंप्लायंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसको कंप्लाई करे, और ये वाली कंडीशन उसको कंप्लाई
करनी है एनिमल एनिमल वाली ये वाली, तो ये सारी कंडीशंस यदि वो कंप्लाई करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 एज ए सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकता है। ठीक है, यानी कोई भी कंपनी काम शुरू नहीं करेगी जब तक उसको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। आरबीआई कब रजिस्ट्रेशन देगी, या तो कैपिटल 100% हो और 15% ऑफ फिक्स एक्वायर्ड हो, मिनिमम वर्थ उसकी कितनी होनी चाहिए 2 करोड़, नो लॉस फॉर लास्ट 3 इयर्स के लिए उसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का एडिक्वेट रियलाइजेशन होना चाहिए। एबल टू पे पीरियडिकल रिटर्न, एबल टू रिडीम इन्वेस्टमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऑन ड्यू डेट, none of the directors convicted for moral turpitude, sponsor reconstruction company or securitization company, holding company financier, compliance of prudential norms by RBI, ye sari conditions yadi comply karti hai, in that case this company can be registered as, theek hai, to ye sari conditions जब कंप्लाई करेगी तो उसको क्या हो सकता है, सेक्शन 3 क्या कहता है, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। तो ये सारी करने के बाद में यदि तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये जो कंडीशन हमने बताई, यदि इस कंडीशन से आरबीआई सेटिस्फाई हो जाता है तो कुछ भी कंडीशन लगा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन दोनों काम करने से पहले वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी को सुनवाई के मौका देगी, हैं, साथ ही साथ ये भी कहेगी कि जब भी वेयर एवर देयर इज चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करिए इन्फॉर्म इमीडिएटली, वो क्या कहेगी, इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये आपका है रजिस्ट्रेशन ऑफ सरफेस आई एक्ट, कि जब भी आपका जो कंपनी है ये कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिला है ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये कैंसिलेशन भी हो सकता है। कब कैंसिल होगा ये सर्टिफिकेट, इसके क्या प्रोविजंस है, ये भी अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। हाँ जी, तो ये सर्टिफिकेट कैंसिल कब हो जाएगा ये हमें समझना है। तो नाउ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सरफेस आई एक्ट सरफेस आई एक्ट 2002 किस इसका, सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस किस का, ऑफ आरसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। कब, नंबर वन, यदि कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, यदि बिजनेस ही खत्म कर दिया, अब कंपनी बिजनेस ही कैरी नहीं कर रही तो सर्टिफिकेट कहां से रहेगा, सर्टिफिकेट कब कैंसिल हो जाएगा,
सीजे जॉन कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट फेल टू रिसीव, फेल्स टू, किस किस चीज में फेल होता है? नंबर वन फेल्स टू रिसीव ऑब्लिक इन्वेस्ट, फेल टू रिसीव और होल्ड इन्वेस्टमेंट इन QIB, या तो QIB से होल्ड करना या इन्वेस्टमेंट करने में फेल होती है, या फेल्स टू कंप्लाई विद कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फेल्स टू कंप्लाई विद कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फेल्स टू फुलफिल कंडीशंस एज पर सेक्शन 33 ए और बी, क्लॉज ए और बी ऑफ 33, या तो ये जो एक्ट की कंडीशंस हैं उनको फेल होती है, और फेल्स टू RBI डायरेक्शंस, RBI के जो डायरेक्शन है उनको कंप्लाई करने में फेल होते हैं, ओके। या अकाउंट्स मेंटेन नहीं रख पाती, मेंटेन, फेल्स टू मेंटेन अकाउंट्स, जब भी इंस्पेक्शन, फेल्स टू सबमिट फॉर इंस्पेक्शन, RBI कहती है इंस्पेक्ट करना और इंस्पेक्शन नहीं कराते हैं, फेल्स टू सबमिट फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है, और फेल्स टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ RBI। इन कामों में या तो वो काम नहीं कर रही है और या फिर वो इन सब चीजों में फेल हो जाती है, तो क्या होगा? देन रजिस्ट्रेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, ठीक है, कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो कंपनी है ये क्या कर सकती है? ये अपील कर सकती है, विदिन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, विद इन 30 डेज, तो वो गवर्नमेंट विल डिस्पोज एप्लीकेशन, कैसे? आइदर रिजेक्ट और नॉट टू रिजेक्ट ऑर्डर दे सकता है, लेकिन आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देगी अपनी जो भी बात कहनी है, उसके बाद क्या करेगी? वो एक्सेप्ट कर सकती है कैंसिलेशन को और रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं, ये कैंसिलेशन नहीं होगा, ओके। तो ये हमने बस कुछ कुछ समझा रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अब आता है इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, डेट इज एनफोर्समेंट ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंटरेस्ट, ओके। अब सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द सिक्योरिटाइजेशन इज, दैट इज द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंटरेस्ट। अब आ जाइए प्रोसीजर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन
इंटरेस्ट सिक्योरिटाइजेशन का इंटरेस्ट का क्या प्रोसीजर है ये देखने कि ये जो सिक्योरिटाइजेशन की बात हमने सुनी इसका प्रोसीजर क्या है तो ये जो प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 13 में सरफेस आई एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है ठीक है कि भाई ये प्रोसीजर क्या होगा फॉर सिक्योरिटाइजेशन बाई सिक्योर्ड कैरेक्टर्स सिक्योर्ड कैरेक्टर्स क्या प्रोसीजर्स करेंगे है ना इन केस ऑफ डिफॉल्ट और एनपीए डिफॉल्ट होता है उसकी वजह से अकाउंट एनपीए हो जाता है तो क्या करेगा तो क्या प्रोसीजर होगा तो सबसे पहले जो प्रोसीजर में होगा ये सिक्योर्ड कैरेक्टर्स एनफोर्समेंट से पहले क्या करेगा सबसे पहले नोटिस देगा क्या देगा नोटिस नोटिस देगा नोटिस टू बोरोअर क्या देगा नोटिस टू बोरोअर कैसे देगा राइटिंग में देगा नोटिस क्या कहेगा उसमें नोटिस में टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी डिस्चार्ज इन फुल कि आप जो है अपनी लायबिलिटी है पूरी की पूरी डिस्चार्ज करिए है ना टू डिस्चार्ज इन फुल टू द सिक्योर्ड कैरेक्टर्स ये नोटिस कितने का होगा 60 दिन के अंदर 60 दिन का टाइम देगा विद इन 60 डेज आप इस पेमेंट को करिए यदि 60 दिन के अंदर वो नहीं करता है 60 दिन कब से लगेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस जिस डेट को नोटिस है उस डेट से 60 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा यदि वो 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है ठीक है तो इफ नॉट डिस्चार्ज पेड बाय बोरोअर विद इन 60 डेज अब क्या होगा सिक्योर्ड कैरेक्टर्स को क्या होगा सिक्योर्ड कैरेक्टर्स विल हैव All the powers under section have the power to exercise under section of Surface I Act. तो जितनी भी power है Surface I Act की तेरे लोगों अब वो यदि 60 दिन के notice के बाद भी वो payment नहीं करता तो ऑल द पावर्स हैं अब ये पावर्स हैं क्या पावर्स जिसको हम कहते हैं पावर्स मींस ऑल द रिकोर्स अवेलेबल इसको क्या है रिकोर्स क्या है टू टेक पजेशन दैट इंक्लूड पजेशन including right to transfer possession भी और हो सकता है right to transfer ही मिल जाएगा जैसे हमने कहा बिना possession के भी transfer का right है और ये जो right to transfer कैसे अब वो किसी को भी by lease transfer कर सकता है by lease by assignment और बाई सेल बाई लीज बाई असाइनमेंट और बाई सेल तीनों तरह के राइट्स हैं और क्या राइट्स हैं पहला राइट ये हो गया दूसरा रिकोर्स या राइट टू टेक ओवर द मैनेजमेंट टू टेक ओवर द मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है टू टेक ओवर द मैनेजमेंट
फिलर इंक्लूडिंग, इसमें भी राइट वही है, राइट टू ट्रांसफर, इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर, ओके, टेक ओवर द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, और क्या क्या राइट है? हाँ जी, और क्या क्या राइट है? तो साथ ही साथ इसको राइट्स हैं। नंबर वन ये राइट हो गया, नंबर टू ये राइट हो गया, और क्या क्या राइट है? नंबर थ्री, अपॉइंट अपॉइंट एनी पर्सन, अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द, टू मैनेज द सिक्योर्ड असेट्स, टू मैनेज द सिक्योर्ड असेट्स, अपॉइंट एनी पर्सन टू सिक्योर असेट्स, द पोजेशन ऑफ विच हैज बीन टेकन बाय सिक्योर्ड कैरेक्टर्स, सिक्योर्ड कैरेक्टर्स ने जो असेट्स टेक ओवर कर ली हैं, उसके लिए कोई भी पर्सन्स को साथ में रिक्वायर्ड फ्रॉम बोरोअर्स बाय नोटिस इन राइटिंग, नोटिस इन राइटिंग टू ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट of borrower in this property. साथ में borrower को बोल सकता है कि यदि आपका कोई interest है, rent है या कुछ भी आता है, उसको भी transfer करो. But लेकिन यहां है but if entire dues are paid, लेकिन यदि वो जो ड्यूज हैं, एंटायर ड्यूज आर पेड बिफोर डेट फिक्स फॉर और असाइनमेंट, बिफोर सेल और असाइनमेंट, देन नो सेल और असाइनमेंट. टेक ओवर कर लिया, मैनेज कर लिया, उसके बाद हमने कोई डेट फिक्स कर दी जिस दिन सेल करेंगे या असाइनमेंट करेंगे, भाई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या भाई रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और भाई इवन भाई द लेंडर, लेकिन उससे पहले ही, उस डेट फिक्स होने से पहले ही एंटायर ड्यू हैज बीन पेड, इन दैट केस सेल और असाइनमेंट विल नॉट बी मेड. ओके, तो ये हमारा हुआ सरफेस आई एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली दिस पोर्शन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन इन द एग्जाम रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन इंटरेस्ट, तो इसको आप बड़े ध्यान से करिएगा. तो ये हम आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो इसको आप देखिए. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.